Welcome to Dr. P.C. Verma Economist YouTube classes. This is in context with NET examination, which are many students are conscious for that. In NET examination, NET and JRF examination, one question is always asked from Kavyav model. हिंदी में इसको कहते हैं मकर जाल, कॉबवेब का अर्थ होता है मकड़ा, तो मकर जाल मॉडल। कॉबवेब मॉडल जो है ये 1934 में इसका इस टर्म को सबसे पहला आविष्कार किसने किया? निकोलास कैल्बोर, ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ न्यू क्लासिकल ट्रेडिशन। निकोलास कैल्बोर जो है वो 1934 में इसका क्वाइन किए टर्म, जिस तरह से श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने क्वाइन किया डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेट में क्वेश्चन आ सकता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को किसने क्वाइन किया, आंसर होगा मिस जॉन रॉबिन्सन। कॉबवेब मॉडल को किसने क्वाइन किया, आंसर होगा निकोलास कैल्बोर। किस ईस्वी में क्वाइन किया था? 1934। कॉबवेब मॉडल जो है ये इंडिया के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वैसे मार्केट पर विचार किया जाता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसका सप्लाई मॉनसून से रिलेटेड है, जिसका सप्लाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उदाहरण के लिए यहां रबर और कॉर्न दो नाम दिया गया। ये दो नाम इसलिए डाले हैं कि कैल्डोर ने इसी दो का नाम दिया है, फिर आगे चल के स्ट्रॉबेरी का भी नाम डाला है। हमारे यहाँ देश में प्याज है, दाल है, राइस है, वीट है, ये सब का प्रोडक्शन जो है वो सप्लाई कर इसका वर्तमान प्राइस से गाइडेड नहीं होता है। लास्ट ईयर जो फार्मर डिसाइड करेगा कॉर्न का प्रोडक्शन, अनाज का प्रोडक्शन, तो उसका खेती करेगा, और जब उपज होगा तो दिस ईयर आपको आएगा। तो इसका क्या है कि प्रीवियस ईयर में ही निर्णय ले लिया जाता है कि क्या उत्पादन करना है, और प्रीवियस ईयर में जब निर्णय लेगा तो प्राइस एक्सपेक्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्राइस। तो उस प्रीवियस ईयर में अगर वो कॉर्न का प्रोडक्शन, रबर का प्रोडक्शन डिसाइड करता है या कोई भी एग्रीकल्चरल क्रॉप का डिसाइड करता है, तो वो क्या करेगा, मूल्य एक्सपेक्टेशन, मूल्य की प्रत्याशा, वो पिछले वर्ष के आधार पर वो निर्णय लेगा कि मूल्य की प्रत्याशा क्या है, और उस मूल्य की प्रत्याशा के आधार पर निर्णय लेगा कि कितना फसल किस क्षेत्र में लगाया गया। हम लोग यहां देख रहे हैं कि जर्मन लैंग्वेज में इस कॉबवेब मॉडल को हेनरी सुल्ज ने इसका आविष्कार किया, और अम्बर्टो रिकी ने इसका आविष्कार किया। तो चूंकि बहुत सारी चीज जो जर्मन में आविष्कार हो जाती है वो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट तक ले नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि जर्मन और ब्रिटिश का तो अच्छी तरह जानते हैं कि वर्ल्ड वार में एक तरफ था जर्मन है, एक तरफ था ब्रिटिश। तो कनेक्शंस जो है वो कम था, क्योंकि बहुत सारी चीज
बाद में अभी के समय में जब पता चलता है तो सिमिलर चीज जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट लिख रहे थे उसी तरह से मिलता जुलता सिमिलर कॉपियर मॉडल वहां भी लिखा गया, कॉपियर मॉडल से मिलता जुलता हेनरी सुल्ज और अम्बर्टो रिकी ने भी लिखा, लेकिन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट का ये 1934 की जो पुस्तक है 1938 में प्रकाशित हुई, लिखा गया 1934 में, तो वो उसमें ही उन्होंने इसको क्वाइन किया था। और निकोलस कैंडोर ने कॉबे मॉडल दिया नाम, क्योंकि इसमें जो चित्र का जो चित्र देखने में प्राइस और सप्लाई का लगता है वो मकड़े के जाल की तरह रहता है, तो हिंदी भाषी मकड़ जाल मॉडल, मकड़ जाल मॉडल, मकड़ा का जाल जिस तरह से उस तरह का बन जाता है, जो हम लोग बोर्ड पर बना के और दिखाएंगे आपको। यहाँ आपको केवल दो चित्र बोर्ड पर है, एक चित्र है कन्वर्जेंट और एक चित्र है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस से करेंट प्राइस दुर्भाग्य ये साल, फिर अगले साल वो नजदीक आएगा, फिर अगले साल दुर्भाग्यगा नजदीक आएगा, दुर्भाग्य नजदीक, करते करते एक समय ऐसा आएगा वो इक्विलिब्रियम प्राइस के निकट में आ जाएगा। तो अगर करेंट ईयर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से दूर है, चाहे इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर में दूर है या इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे में डाउन है, तो उस स्थिति में जो फ्लक्चुएशंस होगा प्राइस फ्लक्चुएशंस, तो प्राइस फ्लक्चुएशंस होने से वो ऊपर अगर है तो डाउन होकर इक्विलिब्रियम प्राइस में निकट आएगा, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे डाउन है वो तो राइज होकर ऊपर आएगा। और जैसे जैसे हर ईयर में मकड़ा का जाल के तरह डिमांड सप्लाई का जो गैप है उससे तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि व्हाई प्राइस माइट बी सब्जेक्ट टू पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस, क्यों सप्लाई जो है कृषि क्षेत्र में पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस होता है, अवधि के साथ बदलता है, हर वर्ष उसमें परिवर्तन होता रहता है, और जिस किस चीज को हम उत्पादन करेंगे उसका प्राइस पहले चोजन बिफोर प्राइस आरोपन, प्राइस बाजार में जो आता है वो करेंट ईयर में आता है, तो करेंट ईयर में प्राइस आया, डिमांड है करेंट ईयर का और सप्लाई है पास्ट प्रीवियस ईयर का। अगर इसको पीरियड को टी माने तो डिमांड में लग जाएगा डी टी, तो डिमांड फॉर टी ईयर, और सप्लाई में लग जाएगा एस टी माइनस वन, टी माइनस वन हो गया तो ये हो गया पिछले वर्ष का प्राइस जो है वो इस साल का होगा तो बोलेंगे पी टी, प्राइस पिछले साल का होगा तो बोलेंगे पी टी माइनस वन। तो सप्लाई को प्रभावित करने वाला जो है वो पी टी माइनस वन है, और डिमांड को प्रभावित करने वाला क्या है पी टी है। तो डिमांड और सप्लाई दोनों फोर्सेस बाजार में काम करते हैं, और जर्मन और कैंडोर महोदय कहते हैं कि प्राइस में पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस होगा, उतार चढ़ाव होगा, और वो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है यहाँ आप देख रहे हैं ये कन्वर्जेंट है, तो सप्लाई डिमांड का गैप है, फिर नीचे आया तो फिर डिमांड सप्लाई के गैप है, फिर ऊपर गया तो डिमांड और सप्लाई के गैप है, ये गैप धीरे धीरे क्या हो रहा है फिलअप होता जा रहा है, और फिलअप ऊपर भी ऊपर से भी नीचे डाउन हो रहा है और नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और इस तरीके से घूमते घूमते पीई पर पहुंचेगा। इसी पीई को हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। करेंट प्राइस जो है वो यहाँ भी रह सकता है, करेंट प्राइस यहाँ भी रह सकता है, करेंट प्राइस अगर यहाँ है यहाँ फ्लक्चुएशन से नीचे आता है, और इस कारण से हम पाते हैं कि करेंट प्राइस में जो भी हम बात देखते हैं तो उसके बारे में देखते हैं करेंट प्राइस
और इक्विलिब्रियम प्राइस के बीच में फ्लक्चुएशंस है, करंट प्राइस और इक्विलिब्रियम प्राइस में फ्लक्चुएशंस है। तो इसलिए हम लोग क्या पाते हैं कि डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप है, यही है लोग के इकोनॉमिक्स में इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस। एक्सेस डिमांड जो है, डिमांड से ज्यादा एक्सेस कौन है, सप्लाई है। और यहां देखिए, यहां भी है एक्सेस, ये एक्सेस पे क्या है, डिमांड है ग्रेटर देन सप्लाई। तो फ्लक्चुएशंस जो है, फ्लक्चुएशंस के अंतर्गत हम पाते हैं कि या तो प्राइस ऊपर है, तो प्राइस अगर ऊपर है तो आप देख लीजिए कि डिमांड लेस है और सप्लाई, डिमांड इज लेस देन सप्लाई। तो ये जो मकर जाल है आपका, कॉबवेब लाइन जो है, वो नीचे की ओर आएगा और वो घटा देगा, नीचे की ओर आएगा और क्या करेगा, घटा देगा। तो इसलिए ऊपर जो है इक्विलिब्रियम प्राइस, उससे नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा और इस तरह से फ्लक्चुएट करता रहेगा। एक्सेस दोनों ओर है, ऊपर एक्सेस है सप्लाई, नीचे एक्सेस है डिमांड। तो फ्लक्चुएशंस जो होगा इकोनॉमी में, वो हर हालत में वो फ्लक्चुएशंस आपको दर्शाएगा कि इकोनॉमी में कन्वर्जेंट हो जाए। ये फ्लक्चुएशंस क्या करेगा, कन्वर्जेंट हो जाए। दूसरा है, ये है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में आप देखिए कि यहां आप देख रहे हैं डिमांड सप्लाई, फिर यहां भी दोनों में डिफरेंस है ना, डिमांड से ज्यादा सप्लाई है और फिर यहां आपको डिमांड ज्यादा सप्लाई से। अब ये फ्लक्चुएशंस जो होगा, तो इसमें फ्लक्चुएशंस जो होगा तो सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व का स्लोप जो है उस पर हम निर्धारित करते हैं कि डिमांड सप्लाई कर्व का स्लोप कैसा है। डाइवर्जेंट जब होगा, यहां गौर से देखिए, डाइवर्जेंट केस तब होता है जब सप्लाई इज मोर इलास्टिक देन डिमांड। कैंडोर कहते हैं कि अर्थशास्त्र में जो हम लोग मूल्य के फ्लक्चुएशंस को, उतार चढ़ाव को, उच्चावचन को देखते हैं, तो ये उतार चढ़ाव क्यों होता है, कृषि जन्य वस्तुएं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में उतार चढ़ाव क्यों होता है, आज ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि किसान जो है फांसी लगा रहा है। बहुत सारे किसान जो मूल्य का प्रत्याशा करते हैं उसमें वो असफल होते हैं और उनको हानि होती है, वो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं, हजार हजार जो आंकड़ा दे रहा है कि इतना आदमी सुसाइड किया, इतना इस राज्य में किया किसान। तो क्यों किसान सुसाइड करता है, क्योंकि उसका प्राइस जो है वो निर्धारण होता है सप्लाई का, वो पिछले साल से आधार पर, और डिमांड होता है करेंट में। तो कहता है कि कन्वर्जेंट जो सप्लाई कर्व है, कन्वर्जेंट केस, इसको स्टेबल केस माना जाता है, क्योंकि धीरे धीरे फ्लक्चुएशंस करके इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर में प्राइस अप होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे प्राइस डाउन होता है, और बार बार टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम को जाने की प्रवृत्ति रखता है। तो वो पहुंच जाता है और सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व में इंटरसेक्शन जो होता है वो इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम तक वो पहुंच जाता है फ्लक्चुएशन से। सप्लाई कर्व स्टीपर देन डिमांड कर्व, इसका मतलब हुआ कि डिमांड इज मोर इलास्टिक देन सप्लाई। अब आपको नेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहेगा, कौन सा सही स्टेटमेंट, डिमांड इज मोर इलास्टिक देन सप्लाई, तो उत्तर होगा कन्वर्जेंट। कॉबवेब मॉडल क्या देगा, कन्वर्जेंस, इक्विलिब्रियम विल बी ऑब्टेन थ्रू कन्वर्जेंस। और दिया हुआ रहेगा अगर नेट की एग्जामिनेशन में सप्लाई मोर इलास्टिक देन, सप्लाई मोर इलास्टिक देन डिमांड, है ना, ठीक, उसका पूछ, तब उसका आंसर किसमें टिक लगाएंगे, डाइवर्जेंट। फिर क्वेश्चन रहेगा कन्वर्जेंट जो है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ लैग सप्लाई है। लैग सप्लाई का मतलब हुआ कि इस साल जो हम डिसीजन ले रहे हैं
बाजार में सामान ला रहे हैं वो एक्चुअली लास्ट ईयर निर्णय लिया गया कि कितना प्रोडक्शन करेंगे, तो लास्ट ईयर का निर्णय से इस साल आपको सप्लाई हो रहा है तो उसको करंट सप्लाई नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? लैग सप्लाई पीछे से। तो कहता है कि अगर क्वेश्चन रहेगा कि आपका स्टेबल केस कौन सा है, डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है, तो उत्तर होगा स्टेबल केस जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व अगर लेस है और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ज्यादा है तो अनस्टेबल होगा, और ये अनस्टेबल केस आपको डाइवर्जेंट केस है। उसी डाइवर्जेंट केस को यहां दिखलाया गया है, ऊपर वाला कन्वर्जेंट है और ये वाला आपका है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट केस। डाइवर्जेंट केस क्या होगा? अनस्टेबल होगा। और इसमें क्या होगा? इसमें इलास्टिसिटी और डिमांड मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और यहां क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी सप्लाई इज मोर इलास्टिक देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सप्लाई मोर इलास्टिक देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉबेब मॉडल इन ए थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। अब इसके बाद आपको हम इसको इक्वेशन के द्वारा आपको समझाएंगे कि लीनियर अगर मॉडल है डिमांड कर सप्लाई कर, तो कैसे हम लोग लीनियर ग्रोथ पाथ को प्राप्त करेंगे। दैट्स ऑल, टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास।